हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। दोस्तों रियलमी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च कर रहा है एक अच्छी प्राइस रेंज पे। और हाल ही में रियलमी ने नार्जो 60X फ़ोन लॉन्च किया है, जो कि एक 5G फ़ोन है। और ये फ़ोन फर्स्ट सेल में ओनली 12,000 रुपये में मिलेगा। और दोस्तों अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इस फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो यार आज हम इस वीडियो में इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन। तो यार सबसे पहले एक सेक्शन और रखा गया है, उसमें है कुछ यूज़र मैनुअल, उसके बाद ही रखा है स्मार्टफोन। फ़िलहाल इसे रखते हैं साइड में और इसके बाद देखते हैं कि क्या मिलता है बॉक्स में। तो दोस्तों इसके बाद ही रखी है ये टाइप सी चार्जिंग केबल और 33 वाट का पावर एडेप्टर, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा। तो दोस्तों ये है स्मार्टफोन, जिसे निकालते हैं प्लास्टिक रैप से बाहर और जल्दी से इसे बूट करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये फ़ोन रियलमी 11 5G का रीब्रांडेड वर्जन है, हालांकि इसमें कैमरा में और चार्जिंग स्पीड में चेंजेस किया गया है। तो यार फ़ोन बूट हो रहा है, तब तक हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यार इस फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा है वो है MediaTek Dimensity 6100 Plus चिपसेट। ये चिपसेट 6 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी से बना है और इसकी जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो है 2.2 GHz की। तो यार परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और इसी के साथ इसमें गेमिंग को हैंडल करने के लिए जो GPU लगा है वो है माली G57 MC2। और दोस्तों इसमें जो OS वर्जन दिया गया है वो है Android 13 और जो कस्टम UI है वो है Realme UI 4.0। और दोस्तों इस फ़ोन में जो डिस्प्ले लगी है वो है 6.72 इंच की, जो कि फुल HD प्लस IPS LCD है। इसकी रिफ्रेश रेट है 120Hz, जो कि डायनेमिक रिफ्रेश रेट है। ये रिफ्रेश रेट 5 लेवल में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है, जिससे कि फ़ोन का पावर कंजप्शन घटता है और काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। और दोस्तों इस डिस्प्ले की जो टच सैम्पलिंग रेट है वो है 180Hz की और इसकी जो ब्राइटनेस है वो है 680 nits की। तो यार ब्राइटनेस भी काफ़ी सही दी गई है। और इस डिस्प्ले में 16.7 मिलियन कलर्स दिए गए हैं, यानी कलर एक्यूरेंसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और यार इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 91.4%। तो दोस्तों ऑल ओवर देखा जाए तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है। और अब हम बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो यार यहाँ पर ड्यूल रियर कैमरा सेटअप का यूज़ किया गया है, जहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 50 MP का है, जिसका अपेचर है f/1.8 और जो सेकेंड कैमरा है वो 2 MP का डेप्थ सेंसर है। और फ्रंट साइड में 8 MP का सेल्फी शूटर लगा है। तो यार कैमरा सेटअप भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है। और इस फ़ोन में जो बैटरी लगी है वो 5000 mAh की है, जो कि 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोस्तों कंपनी ये भी क्लेम करती है कि ये फ़ोन 0 to 50% चार्ज हो जाता है ओनली 29 मिनट में। तो यार चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट मिल रही है। और यार अब बात करें फाइनली इस फ़ोन के प्राइस की, तो दोस्तों इस फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 12,999 रुपीज़। और जो 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है उसकी प्राइस है 14,999 रुपीज़। लेकिन दोस्तों फर्स्ट सेल में इस फ़ोन पर 1,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल रहा है और इसकी फर्स्ट सेल होगी 12 सितंबर को। तो अगर आप इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेल में इस फ़ोन का बेस वेरिएंट मिल जाएगा 11,999 रुपीज़ में। हालांकि दोस्तों इस प्राइस रेंज पे इस फ़ोन के दो और कॉम्पिटिटर भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि है Redmi 12 5G और Samsung Galaxy F14 5G। तो यार ऑल ओवर बात की जाए तो दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स लेके आता है। बाकी यार आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा इस फ़ोन का कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।